साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेन नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों मैं हूं आज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की दूसरी विंग है माधव आश्रम कोटेश्वर में। और इस कोटेश्वर की जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहां पे दो तीन विंग हैं। यहां पे एक ऑर्थोपेडिक विंग चलती है, खबर बनाने आ रहा हूँ यार। अच्छी खबर है बोले यहाँ। किस चीज़ की, मतलब किस पर्पज में? अब देख तो बताऊँगा आपको। बता दो। हाँ जी, किस डिपार्टमेंट से? कहाँ है? ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। कुलदीप को बुलाने पे। हाँ जी, तुम्हारे काम ही। कुलदीप भाई। ये पट्टी कहाँ पे कराई आपने? ये कहाँ पे ना? क्या कुछ लगा था कि क्या कटा है कुछ हुआ है? रेखा। साथियों में आज रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में हूँ। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल के कोटेश्वर में माधव आश्रम, यहाँ पे एक विंग है, ऑर्थोपेडिक विंग है। विंग तो यहाँ पे दो तीन विंग है, और पैथोलॉजी है, विंग है, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पे हैं। और जिला अस्पताल का एक जो ऑर्थोपेडिक विंग है वो यहाँ पे चलता है। और मैं इस ऑर्थोपेडिक विंग में आया हूँ। इसका जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ उसका मतलब मैं आप समझा दूँ आपको कि यहाँ के डॉक्टरों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो शायद आजकल इस छोटे से जिला अस्पताल में नहीं हो पाता है। लेकिन वो जैसे आप श्रीनगर बेस अस्पताल चले जाएंगे, या तो आप इंद्रेस में चले जाएंगे, या तो देहरादून के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं एम्स में चले जाएंगे, वहाँ के डॉक्टर ही इस इलाज को कर पाते हैं। लेकिन यहाँ के जो ऑर्थोपेडिक विंग है वहाँ पे यहाँ पे तैनात और सीएमएस के पद पे भी तैनात हैं, और डॉक्टर बडोनी हैं जो यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनके स्टाफ के द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा यहाँ पे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जिसका प्रत्यारोपण किया गया है। और ये जो जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी उम्र कम से कम 84 साल के आसपास है। तो ये चीज़ें इस उम्र में बहुत मुश्किल से हो पाती हैं, और वो भी प्रत्यारोपण कोले का, तो निश्चित तौर पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मरीज को वापस अपने जिस अवस्था में उस अवस्था में लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे उनके परिवार के कुछ सदस्य भी हैं और यहाँ का स्टाफ भी है। मैं पूछता हूँ उनसे और आपको इस चीज़ की जानकारी। और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। अच्छा काम कर दे तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और गलत काम कर दे तो गालियों का भी रूप होता है। तो मैं आज जिला इस अस्पताल में आया हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जो कार्य किया है डॉक्टरों ने वो एक कीर्तिमान है, और ख़ासकर रुद्रप्रयाग के लिए कई ऐसे नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं, और उससे इलाज करने में भी सुविधाएं हो गई हैं, नए नए यंत्र आ गए हैं, हो सकता है उससे काफ़ी अच्छा फायदा भी होगा। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूँ कि बाहर खासकर जो आयुष्मान कार्ड है उसके माध्यम से मरीज को कितनी सुविधा मिल रही है, और अगर ये बाहर जाते तो कितना मुश्किल हो जाता और कितना इनका पैसा लगता है। एक गरीब आदमी और इतना बियर नहीं कर पाता है, खर्चा इतना सहन नहीं कर पाता है, गरीब आदमी है, यहीं पे सब इलाज हो गया है। तो आइए पूछते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं। पूरी जानकारी आपको जिला ये माधव आश्रम श्री कोटेश्वर में है, उसके पूरी जानकारी लेके आपको बताते हैं।
क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार है। शशि, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? ग्राम डांगी। डांगी के रुद्रप्रयाग के जिले के रहने वाले हो? जिला। आप क्यों आए हो यहाँ पे? ये मेरी मम्मी गिर गई थी, उनका कुल्ला टूट गया था, इसलिए हम यहाँ इलाज करने के लिए आए। कब आए थे आप लोग यहाँ? हम आए थे यहाँ 28 तारीख। 28 तारीख तो क्या इलाज हो गया है? हाँ, इलाज हो गया। अच्छा, क्या बोला था डॉक्टरों ने शुरू में? सब इनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसमें इनका कुल्ला टूट गया था जी, पाँव पाँव का, हाँ, राइट साइड का। तो उस कुल्ले को उन्होंने चेंज किया है और अब थोड़ा सही है। तो ये चीज़ यहाँ होती थी पहले? पहले नहीं, वो फर्स्ट ऑपरेशन है सर। अच्छा, पहला ऑपरेशन था। तो कितना खर्चा बोला था कि अगर बाहर ले जाओ? बाहर करेंगे सर 81 लाख का खर्चा बताया गया हमें जी, इतना आएगा। उम्र कितनी है इनकी? इनकी 82 प्लस। 82 प्लस है। तो गिर गए थे? हाँ, गिर गए। आप यहाँ पे, आप मतलब काफ़ी रिजर्व हो गया, आप मतलब काफ़ी फर्क पड़ गया। हाँ जी, हाँ। तो क्या कहेंगे डॉक्टरों के लिए? डॉक्टरों का हम हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं, और उन्होंने जो है माँ का सक्सेसफुल कर दिया। अच्छा, और कैसे कैसे सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? यहाँ पर सही सुविधा से ही। अच्छा, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। क्या आयुष्मान कार्ड लगाया था? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड लगाया। क्या क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा आयुष्मान कार्ड लगा लेते हैं, इसमें जो भी होगा बाकी कोई खर्चा नहीं आएगा हमारा। अच्छा, कोई रिश्वत रुश्वत तो नहीं दी? नहीं जी, हमें कोई रिश्वत नहीं दी। अच्छा, तो क्या कहेंगे डॉक्टरों के लिए? डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या आज के ज़माने में डॉक्टर इलाज नहीं, आज के ज़माने में हम यही समझे डॉक्टर भी एक भगवान है, भगवान जिन्होंने हमारा इतना ही दुरुस्त किया। कितने घंटों का ऑपरेशन हुआ था ये? ये सर 4.25 घंटे का ऑपरेशन। 4.25 घंटे। तो मतलब सही इलाज हो रहा है? सही। क्या संदेश देना चाहोगे बाहर के लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे उत्तराखंड में अच्छे अच्छी व्यवस्था, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जिनको सब सुविधाएँ हैं हमारे पास। आप क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो आपको सूचना मिली कि माँ गिर गई है, तो आप लेकर आए? फ़ोन किया गया है यहाँ से, मैं तुरंत भाग के आया, फिर मम्मी को यहाँ एडमिट कर दिया। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे इलाज हो रहा है। यहाँ पे वार्ड में, ये ऑर्थोपेडिक वार्ड है और इस वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। और 28 तारीख को ये माता जी गिर गई थी और पूरे उनका पूरा कूलर ख़त्म हो गया था। और इस उम्र में प्रत्यारोपण करना एक बहुत बड़ी बात होती है, डॉक्टरों के लिए चैलेंज होता है। एक हाथ टूटा हुआ है, माँ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है और खासकर बोल भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग उनको आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीर में कि उनका इलाज यहाँ पे चल रहा। और ये उनका जो उनके लड़के हैं, जो क्या नाम बता रहा? शशि कुमार। वो आप काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इलाज डॉक्टरों ने उनको द्वारा किया गया, उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। और भगवान का रूप डॉक्टर होते हैं, ये उनका भी कहना है। और निश्चित तौर पे होते भी हैं डॉक्टर, अगर अच्छा काम कर दिया तो भगवान का रूप ही होते हैं, जिसको नया जीवन देना डॉक्टर का काम होता है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब हम लोग आपको उस डॉक्टर से भी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने इसका इलाज करवाया, और जो पूरी टीम थी उनकी, उनसे भी हम वार्ता करेंगे आप। तो आप मीडिया से कि मतलब डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक पहली बार ऐसा इलाज हुआ है जो 82 साल की उम्र की और प्रत्यारोपण किया गया है। आप लोग भी इस टीम में शामिल थे, क्या है, क्या पूरी जानकारी? हाँ, अभी एक महिला जो है 82 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी, गिरने से उसके जो है राइट कुल्ले की जो हड्डी डैमेज हो गई थी, टूट गई थी। तो पेशेंट बहुत गरीब भी था, तो हमने उसको आयुष्मान के अंदर उसको प्लान किया, तो हमने उसका पहला कुल्ले का प्रत्यारोपण यहाँ पर राइट साइड का जो था उसको किया है। और उम्र होने के साथ मरीज के शरीर में जो है बदलाव भी आते हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिससे ऑपरेशन में दिक्कत भी आती है। ऑपरेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा सा ब्लड लॉस का भी रहता है। और इसके अलावा जब इम्प्लांट डालते हैं तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं।
तो ये चैलेंजिंग है, हमारे पास उतना बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिला अस्पताल में ये सुविधाएं देने के लिए अपनी जितनी भी कोशिशें हैं उसको लगातार बढ़ा रहे हैं और काम करने पे जोर दे रहे हैं। पहली बार हो रहा है ये, पहली बार अभी तक उसमें यहाँ पे प्रत्यारोपण का भी किया है और आगे भविष्य में भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ आगे भी और जो भी सुविधाएँ यहाँ मरीजों को दी जा सकें उस पर हम काम कर रहे हैं। मरीज कैसे है? मरीज ठीक है और मरीज की रिकवरी अच्छी हो रही है, जल्दी ही वो अपने पैरों पर चलने लगेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विंग में एक नया आविष्कारी कहेंगे इसको पहली बार हुआ है और उस टीम के मेंबर्स डॉक्टर्स सबसे मैंने जो बात की है, खासकर मैं जो टीम के जिन लोगों टीम की और टीम के साथ साथ जो मरीज था उनसे भी हमारी वार्ता हुई। हमारे साथ डॉक्टर अंकुर ठाकुर हैं यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एमएस है यहाँ पे, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आपको बधाई हो, पहला केस है ऐसा कि जो यहाँ पे ऐसा केस आपने एक प्रत्यारोपण किया है, किस तरह से देखते हैं इसको? सर, पहली बार तो धन्यवाद देता हूँ आपको, ये यहाँ पर पहली बार हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि महिला की उम्र 83 साल थी, उसके बाद महिला को दिक्कत थी कुल्ले में काफ़ी, तो उसका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है, इससे महिला भी काफ़ी स्वस्थ है और खुश है, परिवार भी खुश है उसके कि आपको जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में उसको ये सुविधा मिल चुकी है। इस तरह का ऑपरेशन यहाँ अनुमन नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे पहली बार हुआ है सर, ये यहाँ पे पहले कभी नहीं होता था, तो स्टार्ट कर दिया है सर, लगातार होंगे। और जो टीम थी कौन कौन से आपके साथ थे, तो कैसा? हमारे सर थे डॉक्टर बड़वी सर थे साथ में, और डॉक्टर नितेश हो गए, और स्टाफ था तेज प्रकाश देवेश, ये लोग स्टाफ में थे, योगी कुलदीप नाम थे। मरीज किस प्रकार से रिकवर हो रहा है? मरीज स्वस्थ है, भली बात स्वस्थ है, वो अपना कर रहे हैं, चल पाएंगे अभी कुछ दिन में। अगर सपोज मैंने यहाँ नहीं होता तो फिर कहाँ इसका ऑपरेशन? ये एम्स में ऋषिकेश या फिर देहरादून में होता, या फिर प्राइवेट में आप कहीं भी जा सकते हो। इस एज में सक्सेसफुल कितने परसेंट? तो इस एज में सर, इसी एज में होता है ऑपरेशन, वही 100% सक्सेसफुल होता है। तो आने वाले मरीजों के लिए क्या निर्देश, सलाह और दिशा निर्देश, खासकर एक संदेश? मैं मरीजों को ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिक्कत होगा अगर गुल्ले में घुटने में अगर, तो हम यहाँ पे इसको इलाज कर सकते हैं, आप आइएगा, आपका अच्छी तरह इलाज होगा। क्या उपकरण भी अच्छे हैं यहाँ? उपकरण सर थोड़ा हमारे पास सभी अभाव है उपकरण का, पर हमने सीमित सर को रिक्वेस्ट दे दी है बना के, ना सामान धीरे धीरे आ रहा है सर। ये थे डॉक्टर अंकुर ठाकुर, जिन्होंने बताया कि मेरी पूरी टीम की और टीम के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा एक नया आविष्कार ही कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो पाया था और एक प्रत्यारोपण एक 82 साल की औरत के खुले का ऑपरेशन किया है और अब वो काफ़ी स्वस्थ है, सक्सेसफुल हो गया है और लोग उनको इस टीम को ढेर सारी बधाइयाँ भी दे रहे हैं कि ये पहला इस प्रकार से नहीं है, आने वाले जो मरीज होंगे उनको भी आप सुविधा मिलेगी, हर मिलेगी।